Hello friends, you are watching Haryali Online. Today in Haryali Online, I am going to share this very beautiful with lots of colors. This is the purple head plant. Purple head is a common name. It has some more common names too, but its scientific name is Tradescentia pallida. Tradescentia pallida is a species of spiderwort, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है पर्पल सेक्रेटिया, पर्पल हार्ट और पर्पल क्वीन के नाम से, और इन तीनों नेम्स में भी सबसे ज़्यादा ये जाना जाता है एज अ पर्पल हार्ट प्लांट। इफ़ आई शेयर इट्स नेटिव, तो इसका जो नेटिव एरिया है वो है गल्फ कोस्ट रीजन ऑफ ईस्टर्न। तो यही सारे एरियाज़ इसके नियरेस्ट के सभी एरियाज़ है जहाँ ये ग्रो होता है, जहाँ ये बहुत अच्छा मतलब सारा साल आपको दिखता है। सो बिलोंग फ्राम देयर। Its growing weather is summer. In summer you will find lots of flower on it. Its flowers are very beautiful in light pink colors in the boat of full purple color. Velvet touch के साथ बहुत ही tender इसकी branches होती हैं, जो कि एक इंतहाई unconscious touch के साथ फ़ौरन ही टूट जाती हैं। That's why always ऐसी जगह पर इसको place कीजिए जहाँ पर आपके pets ना जाते हों, जहाँ ये कहीं touch ना होते हों, otherwise फ़ौरन ही इसकी जो branches हैं वो टूट जाती हैं। So my dear friends, you will find here some of cutting of my purple head plant. जैसे ही इसकी tender सी branches कहीं टूट के गिर जाती हैं तो उसे मैं फ़ौरन ही किसी भी basket में या किसी planter में किसी भी plant के साथ shift कर देती हूँ। Then it start its growth here. आप देखें कितना खूबसूरत color इसका है और कितनी अच्छी growth यहाँ इनकी हो रही है। तो बहुत easy to care, easy to be propagated plant है। इसके अलावा एक और जगह इस छोटे से planter में मैंने, this is the 4 inches size planter, इसमें मैंने इसकी 3 छोटी-छोटी branches लगाई थी और अभी देखें वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं। इसमें से भी मैं कुछ कटिंग्स हटा चुकी हूँ क्योंकि वो गिर गया था ये प्लांटर ऊपर से, तो वो सारी ब्रांचेस टूट गई थी। तो बहरहाल ये फिर से अच्छी ग्रोथ ले रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट इट्स प्लेसमेंट, बिकॉज इफ़ यू वांट टू हैव दिस टाइप ऑफ डार्क पर्पल कलर फ्रेश लुक, सो यू हैव टू गिव इट इट्स फुल रिक्वायरमेंट्स। इसको ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे जहाँ इसे सन लाइट आती हो, जहाँ इसे फुल ब्राइट लाइट मिलती हो, क्योंकि अगर इसे ब्राइट लाइट नहीं मिलती है, अगर इसे सनलाइट नहीं मिलती है, इट विल कन्वर्ट इट्स कलर इनटू ग्रीन कलर। तो ये अपने पर्पल कलर से कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर मीन्स इट इज़ नॉट ग्रोइंग वेरी वेल और आपके जो ब्रांचेस होंगी ना वो थोड़ी सी लैगी हो जाएंगी, इतनी स्टैंडी लुक आपको नहीं देंगी। इस प्लांट को इतने खूबसूरत कलर्स मेंटेन रखने के लिए सनलाइट की नीड होती है। दूसरी चीज़ ये कि बिलोंग करता है थोड़ा सा सैक्युलेंट फैमिली से भी, तो सैक्युलेंट फैमिली से टच होने के बिना पर दिस इज़ नॉट द इंडोर प्लांट, सो यू हैव टू कीप इट इन प्रॉपर हाई लाइट, इन द प्रॉपर ब्राइट लाइट एरिया, ताकि ये अपने कलर्स को मेंटेन कर सके। बात पानी की जाए तो पानी इस प्लांट को बहुत कम चाहिए, बिकॉज आई टोल्ड यू बिलोंग फ्रॉम द सेक्युलेंट फैमिली, दैट्स वाई इट रिक्वायर्स वाटर इन अ वेरी लेस क्वान्टिटी। तो अगर आप इसे 3-4 दिन छोड़ के भी पानी डालते हैं, नथिंग विल हैपन विथ योर प्लांट। बस आप इसे रेगुलर मिस्टिंग करते रहिए, बिकॉज ड्यू टू हैव द वेलवेट टच बहुत जल्दी जल्दी से ये डस्टी हो जाती हैं और मिट्टी जो है वो इन पर जम जाती है और फिर ये इतने शार्प कलर्स नहीं दिखते हैं। दैट्स वाई यू हैव टू मिस्ट दिस प्लांट ऑन रेगुलर बेसिस। इसके साथ ही एक वाज़ह लुक आपको नज़र आ रहा है, ये वाले जो मेरे लीव्स हैं जो बास्केट में हैं वो काफ़ी कुशादा हैं, फुल अपना जो व्यू है ना वो दे रहे हैं, थोड़े से भी कर्ल नहीं है। जबकि इस प्लांटर के जो लीव्स हैं वो आपको थोड़े से श्रिंक लग रहे होंगे, थोड़े से बंद लग रहे होंगे, थोड़े से फोल्ड दिख रहे होंगे। रीज़न इसका यह है कि वो वाली जो मेरी बास्केट है वो क्लस्टर्स ऑफ प्लांट में रहती है, उसको ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, उसका जो सॉइल मीडिया है वो मॉइस्ट रहता है। जबकि जो लीव्स आपको श्रिंक दिख रहे हैं वो एक प्लांटर में लगे हुए हैं जो कि होल डे सनलाइट में रहता है, तो उसका जो सॉइल मीडिया है उसका मॉइस्ट इतना बना नहीं रहता है। दैट्स वाई अगर मॉइस्ट कम होता है तो सिर्फ इस किस्म की आपको चेंजिंग्स नज़र आएंगी, लिहाजा बगैर पानी के भी आपका प्लांट फाइन रहता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्टिलाइजर्स फॉर दिस प्लांट, डू रिमेंबर दिस इज़ नॉट द हाई फीटर प्लांट, स्पेशली इन विंटर इट डजेंट नीड एनी फर्टिलाइजर। सर्दियों में तो इसे कोई फर्टिलाइजर्स हरगिज़ नहीं दिया जाएगा, बस पानी पे ही ये बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स करेगा।
ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि ये सिर्फ सॉइल मीडिया में भी ग्रो करता है और बहुत अच्छा ग्रो करता है इन इट्स ग्रोइंग पीरियड विच इज़ समर। आप अगर इसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो फिर ये आपको बहुत अच्छे फ्लावर्स प्रोड्यूस करके देगा। तो वो कुछ ऐसा सीज़न होता है कि जब इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज़ किया जाए तो आप इसके बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स ले सकते हैं। If I talk about the propagation, its propagation is so simple and so easy। ये जो आपको एक ब्रांच नज़र आ रही है, इस तरह की एक ब्रांच, बस इतना सा पीस लेके आप इसे किसी भी सिंपल जो आपके पास मीडिया हो उसमें लगा दीजिए। जैसे इसमें मैंने भालू मट्टी में ये 3 दिन पहले कुछ कटिंग्स लगाई थी और आपको देख रही हैं कि सभी कटिंग्स बिल्कुल स्टैंड है, तो इट मीन्स कि इनका अच्छा रिस्पॉन्स है। ठंड का मौसम है, पानी बहुत कम देना है, लेकिन सॉइल मीडिया को एकदम ड्राई नहीं होने देना है। तो बस लग गई आपकी कटिंग, बहुत आसानी से प्रोपेगेट हो जाते हैं। काफ़ी सारी जगहों पर मैंने ये अपने प्लांटर्स में लगा रखे हैं जहाँ गिर जाती हैं, तो इसी तरह बहुत आसानी से मैंने प्रोपेगेट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज माई वेरी ब्यूटिफुल पेरेनियल प्लांट, दिस वॉज पर्पल हेड प्लांट। किस तरह आप इसे अपने घर में रख सकते हैं, किस तरह इसमें अच्छी आप फ्लावर्स ले सकते हैं, किस सीज़न में आप इसे फर्टिलाइज़ करेंगे, किस प्लेस पे आपने इसे प्लेस करना है, तो वो सभी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको मुझे बताइएगा कमेंट्स में। कीप वॉचिंग माई चैनल्स एंड थैंक यू वेरी मच टू बी विथ मी एंड लाइक माई वीडियोज़। टेक द वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।